अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे HTML DOM ऑडियो लूप प्रॉपर्टी। ऑडियो लूप प्रॉपर्टी जो है वो हम यूज करते हैं सेटिंग के लिए और रिटर्निंग, जब हम ऑडियो जो है वो स्टार्ट कर रहे होते हैं, प्ले कर रहे होते हैं और दोबारा जो है वो चला रहे होते हैं, प्ले कर रहे होते हैं, फिनिश कर रहे होते हैं या नहीं कर रहे होते, ये सारी चीजें जो है वो आती हैं DOM ऑडियो लूप प्रॉपर्टी में। सिंटेक्स की बात करूँ जिसमें रिटर्न द लूप प्रॉपर्टी है ऑडियो ऑब्जेक्ट डॉट लूप, सेट द लूप प्रॉपर्टी ऑडियो ऑब्जेक्ट डॉट लूप इज इक्वल टू ट्रू फॉल्स, प्रॉपर्टी वैल्यूज है जिसमें ट्रू फॉल्स आता है और इसको हम यूज करते हैं जब हम स्पेसिफाई कर रहे होते हैं ऑडियो जो है वो हमारी शुड स्टार्ट होनी चाहिए, प्ले ओवर अगेन एंड अगेन एवरी टाइम, फिनिश होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए, और इसको जो है वो फॉल्स किया गया डिफॉल्ट से। रिटर्न की वैल्यू की बात करूँ जिसमें जो है वो ऑडियो लूप प्रॉपर्टी रिटर्न करती है बोलियन ट्रू को, और जब हम ऑडियो स्टार्ट कर रहे होते हैं, प्ले कर रहे होते हैं दोबारा अगेन एंड अगेन एवरी टाइम जो है फिनिश कर रहे होते हैं तो इट रिटर्न जो है वो फॉल्स आता है। एग्जाम्पल है यहाँ पे जिसमें आप सेटिंग द ऑडियो टू लूप कर रहे हैं, तो जिसमें बात करूँ डॉक्यूमेंट टाइप HTML जो है वो आपने पुट करना होता है, हेडिंग टाइटल आपने लिखना होता है ऑडियो लूप प्रॉपर्टी का, और टाइटल जो है वो क्लोजिंग टैग से आपने रिप्रेजेंट करना है, हेडिंग जो है वो क्लोजिंग टैग से आपने लिखनी है। उसके बाद बॉडी स्टाइल है जिसमें आप जो है वो टेक्स्ट अलाइन सेंटर जो है वो पुट कर रहे हैं, और हेडिंग वन है स्टाइल, कलर जो है वो ग्रीन शो किया गया गीक्स फॉर गीक। इसके बाद हेडिंग वन जो है वो क्लोजिंग टैग से रिप्रेजेंट किया गया। हेडिंग टू है जिसमें स्टाइल आता है, फॉन्ट फैमिली इम्पैक्ट है, ऑडियो लूप प्रॉपर्टी आ जाती है, हेडिंग टू जो है वो क्लोजिंग टैग से आपने रिप्रेजेंट करना है। इसके बाद बाहर आ जाता है ऑडियो आईडी टेस्ट ऑडियो कंट्रोल्स, सोर्स की बात करूं जिसमें आप सैंपल आ जाता है सैंपल डॉट ओ डबल जी, और टाइप की बात करूं ऑडियो की तो वो भी जो है वो ओ डबल जी आ जाता है। सेकंड सोर्स में जो है वो आ जाता है सैंपल डॉट MP3, और टाइप ऑडियो की बात करूं जिसमें MPEG आ जाता है। ऑडियो जो है वो यहाँ पे क्लोजिंग टैग से रिप्रेजेंट किया गया। इसके बाद पैराग्राफ की बात करूं जिसमें आप इनेबल कर रहे हैं लूप को, ऑडियो को जब प्ले कर रहे हैं डबल क्लिक के साथ इनेबल कर रहे हैं लूप बटन जो है वो ऐड कर रहे हैं, पैराग्राफ जो है यहाँ पे क्लोजिंग टैग से रिप्रेजेंट किया गया। इसके बाद बाहर आ जाता है बटन जो है वो ऑन डबल क्लिक के साथ आप यूज कर रहे हैं माई ऑडियो को, इनेबल कर रहे हैं लूप को, बटन जो है वो यहाँ पे क्लोजिंग टैग से रिप्रेजेंट किया गया। इसके बाद पैराग्राफ आईडी या टेस्ट जो है पुट किया गया, पैराग्राफ जो है वो क्लोज किया गया। इसके बाद स्क्रिप्ट आ जाता है जिसमें आप फंक्शन माई ऑडियो लिख रहे हैं, वेरिएबल ए इज इक्वल टू डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाई आईडी टेस्ट ऑडियो, ए डॉट लूप इज इक्वल टू ट्रू, ए डॉट लोड अलर्ट ए डॉट लूप, स्क्रिप्ट जो है वो यहाँ पे क्लोजिंग टैग से रिप्रेजेंट किया गया। बॉडी एंड HTML यहाँ पे क्लोजिंग टैग से आपने रिप्रेजेंट करने। आउटपुट की बात करूँ जिसमें आप देखें कि बिफोर क्लिकिंग द बटन ऑडियो लूप प्रॉपर्टी जो है वो इनेबल कर रहे हैं लूप ऑडियो को, जब आप प्ले कर रहे हैं डबल क्लिक के साथ ये इनेबल का बटन जो है वो आपने पुट करना होता है इनेबल लूप का। आफ्टर क्लिकिंग द बटन जो है वो यहाँ पे आप चेक कर सकते हैं कि जब आप प्ले कर रहे होते हैं वीडियो को, यहाँ पे जो है वो ट्रू फॉल्स ऑप्शन आपके पास आ रहा होता है, इस तरीके से आप जो है यहाँ से चेक कर सकते हैं ऑडियो लूप प्रॉपर्टी को। सेकंड एग्जांपल है जिसमें आप ऑडियो टू लूप लिखा है, HTML डॉक्यूमेंट टाइप हेडिंग टाइटल आपने लिखना है, टाइटल हेडिंग है, बॉडी स्टाइल में आपने सेंटर लिखना है लाइन सेंटर, इसके बाद हेडिंग वन में स्टाइल आपने लिखना है कलर ग्रीन गीक्स फॉर, इसके बाद हेडिंग टू में स्टाइल फॉन्ट फैमिली इंपैक्ट ऑडियो लूप प्रॉपर्टी जो है वो यहाँ पे हेडिंग वन से हेडिंग सिक्स तक भी आप जो है पुट कर सकते हैं, यहाँ पे ओपनिंग एंड क्लोजिंग टैग यूज किया गया। इसके बाद बाहर आता है ऑडियो आईडी यहाँ पे लिखी गई है, और टेस्ट ऑडियो कंट्रोल्स सोर्स जो है वो यहाँ पुट किया गया सैम्पल डॉट ओ डबल जी, टाइप ऑडियो ओ डबल जी, सोर्स यहाँ पुट किया गया सैम्पल डॉट MP3, टाइप ऑडियो MPEG, ऑडियो जो है यहाँ पे क्लोजिंग टैग से रिप्रेजेंट की गई है। इसके बाद पैराग्राफ की बात करूं टू रिटर्न ऑडियो लूप प्रॉपर्टी जो है वो यूज की गई है, डबल क्लिक जो है वो रिटर्न बटन जो है वो ऐड किया गया, पैराग्राफ जो है वो क्लोजिंग टैग से रिप्रेजेंट किया गया। इसके बाद बाहर आता है डबल क्लिक ए बटन ऑन डबल क्लिक है माई ऑडियो रिटर्न बटन आ जाता है जिसमें आप ओपनिंग एंड क्लोजिंग टैग जो है वो यूज कर रहे हैं, पैराग्राफ आईडी टेस्ट पैराग्राफ जो है वो क्लोजिंग टैग से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। स्क्रिप्ट की बात करूँ जिसमें फंक्शन माई ऑडियो है, वेरिएबल ए इज इक्वल टू डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी टेस्ट ऑडियो, ए डॉट लूप ए डॉट लोड अलर्ट ए डॉट लूप, स्क्रिप्ट बॉडी एंड HTML यहाँ पे क्लोजिंग टैग से रिप्रेजेंट किया गया। आउटपुट की बात करूँ जिसमें जो है बताया गया बिफोर क्लिकिंग द बटन गीक्स फॉर गीक ऑडियो लूप प्रॉपर्टी,
जिसमें आप रिटर्न कर रहे हैं ऑडियो लूप प्रॉपर्टी को डबल क्लिक के रिटर्न बटन के साथ। ये रिटर्न का बटन आपने ऐड करना है। आफ्टर क्लिक द बटन जो है वो आप एम्बेडेड पेज को अपने पेज से देख सकते हैं, जिस तरह यहाँ बताया गया फॉल्स ओके जो है यहाँ से आप कर सकते हैं। तो ये थी मेरी आज की वीडियो, इसे मैंने आपके साथ शेयर किया ऑडियो लूप प्रॉपर्टी। थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज़।